तो अब हम देखने वाले हैं आज का हमारा क्वेश्चन, जिसका नाम है शुभम एंड जोर। ये एक बबल सॉर्ट का प्रॉब्लम है हैकर अर्थ के अंदर। इस प्रॉब्लम में हमें क्या गिवन है, वी आर गिवन एन एरे ऑफ एन इंटीजर नंबर्स A1, A2 अप टू AN, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पेयर ऑफ इंडेसेस सच दैट, इसकी एक तो ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि जो हमारे पास इंडेक्सिंग है ना वो कैसी है, वो वन बेस्ड इंडेक्सिंग है क्योंकि वो वन से स्टार्ट हो रही है और एन तक जा रही है, ठीक है। और उसमें एक कंडीशन और गिवन है कि हमें वही पेयर ऑफ इंडेसेस लेने हैं जिसमें कि क्या हो, जो ए ऑफ आई जोर अगर हम ए ऑफ जे करें ना तो वो क्या बने, जीरो बने। अब सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि इस कंडीशन का क्या मतलब है कि जो आई आई एथ पोजिशन पे वैल्यू है और जो जे एथ पोजिशन पे वैल्यू है। जैसे अगर हमें ये गिवन है ए आई और अगर हम इसका जोर कर रहे हैं ए जे के साथ तो वो जीरो है, इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जोर में हमारे पास क्या क्या वैल्यूज गिवन होती है, क्या क्या केसेस होते हैं। तो जोर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें जैसे दो नंबर, जैसे जोर जो होता है वो बिट बिट्स में हम वैल्यूज को कंपेयर करते हैं तो जो बिट में पोजिशन होती है वो तो जीरो और वन होती है ना। तो अगर बिट की पोजिशन जीरो है और दूसरे नंबर पे जो बिट की पोजिशन है वो वन है उस इंडेक्स पे, है ना, तो उस केस में हमारे पास जो जोर है वो आंसर क्या दे देता है, वो तो वन दे देता है। यानी कि जो हमारे पास ये वाली वैल्यूज हो गई जैसे कि वन और जीरो, तो इन दोनों के केसेस में तो वो वन दे देगा, लेकिन जहां पे हमारी वैल्यूज जो है सेम हो गई जैसे जीरो और जीरो और वन और वन, तो इन दोनों के केसेस में वो जोर जो है वो क्या दे देगा, हमारा आंसर वो जीरो दे देगा। तो बेसिकली अगर जोर जीरो मिल रहा है ना जैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो वो कौन से केसेस होंगे, उस केसेस का मतलब है कि हमें जो भी इंडेक्स है ना उस पे जो भी मतलब हमारे पास वैल्यू है या तो वो जीरो हो या तो वन हो, तो वो क्या है, दोनों की दोनों सिमिलर है, तभी हमारे पास जोर जो है वो जीरो आएगा। और क्योंकि इस केस में हमें जैसे गिवन है कि हमारे को जो जोर है ना वो ए आई जोर ए जे क्या है, बेसिकली ये तो पूरे के पूरे एलिमेंट्स हैं, तो अगर एलिमेंट्स हमारे जीरो दे रहे हैं ना जोर के मतलब, तो जोर अगर एलिमेंट जीरो दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों के दोनों जो एलिमेंट्स है ना ए आई और ए जे ये क्या है, इक्वल है, तभी तो ये हमारे पास जो जोर है वो जीरो बनेगा। क्योंकि अगर कोई भी बिट की पोजीशन पे अगर वैल्यू डिसिमिलर हो गई, जीरो वन या फिर वन जीरो हो गई, तो वो तो उस केस में हमारे पास पूरा का पूरा एलिमेंट जो है वो जीरो नहीं देगा ना, हमारे पास कहीं ना कहीं तो वो उस केस में पोजीशन पे वन आ जाएगा। तो इस केस में हमें यही एक कंडीशन ध्यान से रखनी है कि हमारे पास जो भी वैल्यूज है ना उस केस में हमें जोर तभी मिलेगा जब हमारे पास दोनों वैल्यूज क्या हो, जोर लेने वाली वो क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो एक तो हमने ये समझ लिया कि जोर जो है जीरो आ रहा है इसका क्या मतलब है। तो एक बार हम ये समझते हैं कि हमारे को इनपुट जैसे गिवन है, फर्स्ट लाइन में तो एन होगा जो हमारे पास साइज ऑफ द एरे, ठीक है, फिर हमारे पास जो एलिमेंट्स है ना वो गिवन होंगे। तो अगर हमारे पास जैसे यहाँ पे ये समझते हैं कि इनपुट सैंपल इनपुट में हमें कैसे गिवन है, तो 1 3 1 4 3, तो हमें जैसे ये एरे गिवन है तो इस एरे में अगर हम ध्यान से देखें हमारे पास कौन सी वैल्यूज हैं जो कि सेम है। मैंने बताया था अगर हमें जोर जीरो मिल रहा है तो हमें वही वाले एलिमेंट्स लेने हैं जो कि सेम है, जैसे यहाँ पे वन और वन है ना, इन दोनों का इंडेक्स क्या है, क्योंकि वन बेस्ड इंडेक्सिंग है तो एक तो वन इंडेक्स ये वाला और ये थ्री इंडेक्स हो गया इस वन का। तो अगर हम इस ये वाले जो इंडेक्स है वन और थ्री वाले इंडेक्स वाली पोजीशन पे ये दोनों वन है, तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज का वन और वन का जोर करते हैं तो एक तो ये जीरो दे देगा, और दूसरी बात कहाँ पे है, दूसरी पोजीशन जैसे ये सेकेंड इंडेक्स और ये वाला फिफ्थ इंडेक्स, अगर हम इन दोनों वैल्यूज का जोर करते हैं तो ये जीरो दे देगा। तो हमारे पास यही दोनों जो वैल्यूज है ना ये जो है जीरो देंगी इस केस में। तो अब इससे हमें एक क्या ऑब्जर्वेशन दिखती है कि हमें ना जोर जीरो मिलने का मतलब क्या है कि हमें सारी की सारी वैल्यूज क्या चाहिए उस केस में, सेम चाहिए वो दोनों पोजीशंस, ठीक है। तो अगर हमें सेम चाहिए और उसने क्या बोला है हमें कि हमें ना नंबर ऑफ इंडेक्सेस बताने हैं, बेसिकली हमें ये नहीं बताना कि कहाँ कहाँ पे वो जीरो दे देगा, हमें ये बताना है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ पेयर ऑफ इंडेक्सेस, हमारे पास कितने ऐसे पेयर बन सकते हैं जिनका कि क्या हो, जिनका कि जोर करने के बाद हमें क्या मिले, जीरो मिले। तो सबसे पहले तो हमें ये समझते हैं कि जैसे यहाँ पे हमें ये गिवन है, जैसे अगर मान लो हमें ये चीज गिवन है, ठीक है, तो अगर हमें ये सारे के सारे एलिमेंट्स गिवन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें उनमें से ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि किस पोजीशन पे जो एल जैसे ए आई है ना और ये ए जे है, तो किस पोजीशन पे ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये सेम होंगी, ठीक है। और जितनी भी वैल्यूज सेम होंगी ना, सबसे पहले तो हम सेम निकालने के लिए क्या कर लेंगे, हम इस पूरे के पूरे को सॉर्ट कर लेंगे। तो सॉर्ट करने से क्या हो जाएगा, जो भी हमारे पास सेम एलिमेंट्स होंगे ना वो हमारे को क्या मिल जाएंगे, वो असेंडिंग ऑर्डर में सारे मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे वन और वन साथ में आ गया है ना, फिर थ्री और थ्री साथ में आ गया, और बाकी 4 5 9 ये अलग हो गए, ठीक है। तो अब हमें क्योंकि ये दोनों के दोनों एलिमेंट सेम मिल गए, मतलब बेसिकली ये एडजेसेंट मिल गए, तो हम ये चेक करेंगे क्योंकि हमें ना पोजिशन बतानी है, बेसिकली हमें काउंट बताना है, नंबर ऑफ काउंट्स कि हमें जो पेयर्स हैं वो जोर देते हैं। उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें जैसे सिमिलर एलिमेंट्स का जोर चाहिए, तो हमारे पास टोटल कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हमें जोर जीरो दे सकते हैं, है ना। तो उस केस में अगर हमें जैसे टू, मैंने बताया था भी हम कंपेयर करते हैं किसको, हम जैसे एडजेसेंट पेयर को कंपेयर करते हैं बिट्स को, तो हमारे पास जैसे दो पोजिशन होती है, एक इस नंबर की एक इस नंबर की, तो अगर मैं मान लो उसको जीरो कंपेयर कर रहा हूँ तो दो नंबर का जोर हम निकालते हैं ना, तो अब मेरे को दो नंबर का जोर जैसे निकालना है उसको क्या करना है, जीरो करना है। तो मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जो कि सेम है,
तो मैंने इस केस में देखा कि मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं, तो अब मैं ये देखूंगा कि मेरे पास जैसे दो एलिमेंट्स है ना, तो मेरे पास इन दोनों एलिमेंट्स को डालने के लिए कितनी स्पेसेस है, टू स्पेसेस अवेलेबल है ना। तो मैंने एक को यहाँ डाल दिया, एक को यहाँ डाल दिया, ठीक है। अब मैं जैसे इसको भी देख रहा हूँ, तो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको यहाँ डाल दिया और इसको यहाँ डाल दिया। तो मेरे पास इस केस में क्या है, इस केस में एक अरेंजमेंट पॉसिबल है और इस केस में एक अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो इस केस में मेरे पास आंसर कितना आ गया, बेसिकली टू आ गया ना इस केस में आंसर। यहाँ पे एक अरेंजमेंट पॉसिबल है और एक यहाँ पे अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस केस में, अगर हम सबसे पहले मान लो सॉर्टिंग कर दें, तो वो मेरे को क्या दे देगा, वो मेरे को सारे के सारे एडजेसेंट एलिमेंट्स वो दे देगा जो कि क्या है, सेम है ना। और अगर नहीं भी सेम होंगे तो उनका आंसर भी मेरे को वन मिल जाएगा। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर मेरे पास मान लो जैसे इसका देखूं मैं, है ना, तो इस केस में मेरे पास तो जो नंबर है वो तो एक ही बार आया हुआ है, तो मेरे पास उस केस में तो आंसर जो है जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि उस केस में तो मेरे पास कोई अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो जैसे मेरे पास ये सिमिलर एलिमेंट्स मिल गए वन के, ये सारे के सारे किसके अकरेंसीज हैं, ये वन के अकरेंसीज हैं, ये सारे के सारे टू के अकरेंसीज हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लो जैसे ये एन बार आया और ये एम बार आया, है ना, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे को क्योंकि सारे के सारे पोजीशंस चाहिए, तो मैं ये बता सकता हूँ कि मेरे पास इस एन के कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे जो कि मेरे को जोर जीरो दे देंगे, है ना, क्योंकि ये सारे के सारे ही नंबर सेम है, तो मेरे को जोर तो जीरो मिल ही नहीं वाला है। अगर मैं मिलेगा ही, अगर मैं इन दोनों में से किसी भी दो नंबर्स को चूज कर लूँ, तो मेरे को क्या मिलने वाला है, जोर जीरो मिलने वाला है। तो अगर मेरे को इस एन में से कोई भी दो नंबर चूज करना है, तो उसकी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमें ये पता है कि ये होता है, ठीक है। तो एक तो हमारे पास ये हो गया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एन इंटू में एन माइनस वन बाई टू, और एक हमारे पास जैसे ये वाला हो गया, तो इस केस में एम इन एम सी टू, ठीक है, तो वो भी एम इंटू में एम माइनस वन बाई टू। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमने सबसे पहले जैसे सॉर्टिंग करी, तो मैं ना अपने एरे में चेक करते जाऊंगा कि कहाँ तक जैसे मेरे पास एलिमेंट्स हैं वो सेम मिल रहे हैं। जहां तक एलिमेंट सेम मिल रहे हैं, वो मेरे पास फर्स्ट वैल्यू की जितनी भी अकरेंसेज है उनका काउंट आ गया, तो वो जो काउंट आया ना मेरे पास, मैंने उसके अकॉर्डिंग जो मेरे पास कॉम्बिनेशंस बनेंगे मैंने वो निकाल लिए। फिर मैं क्या करूंगा, मैं अपने नेक्स्ट नंबर पे जाऊंगा, मैं देखूंगा कि उस नेक्स्ट नंबर के कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, फिर मैंने वही फॉर्मूला लगा के अपने प्रीवियस आंसर में क्या कर दिया, एडिशन कर दिया। तो मैं बस यही कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में, मैं सबसे पहले सॉर्ट करूंगा, फिर मैं हर एक नंबर के लिए क्या करूंगा, अकरेंस निकालूंगा, उस अकरेंस के अकॉर्डिंग जो मेरे पास कॉम्बिनेशन बनेंगे मैं वो निकालूंगा, और यही मैं कब तक रिपीट करूंगा, जब तक मेरे पास जो नंबर्स हैं वो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली वन से ज्यादा बार आ रहे हैं। अगर वो वन से छोटे भी बार आए ना, तो भी मेरे पास ये जो फॉर्मूला है उस केस में जीरो आंसर दे देगा, तो मेरे पास कुछ ऐड ही नहीं होगा उस केस में। तो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कोड कैसे कर सकते हैं। तो कोड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया था अभी, हम सबसे पहले तो अपने नंबर्स को इनपुट ले लेंगे, जैसे अपने इनपुट के अकॉर्डिंग इस लूप से, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसमें सॉर्ट किया अपने एरे को, सॉर्ट करने के बाद मेरे को क्या मिल गया, सारे के सारे जो सिमिलर एलिमेंट्स थे वो अपने एडजेसेंट पोजीशंस पे मिल गए। फिर मैं यही बोलूंगा कि मैं ना अपने लूप को चलाऊंगा पूरे एरे में, और ये लूप मेरा जैसे मैं के की वैल्यू वन मतलब असाइन करूंगा, और ये के क्या है मेरी, जितनी भी अकरेंसीज होंगी ना उस एलिमेंट के लिए वो मेरे को इसमें लाके देगा। तो हम इसको वन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि तो मेरे को पता है जिस पोजिशन पे हूँ उसमें कोई ना कोई तो एलिमेंट हो गई ना, तो वो उतने जैसे फर्स्ट टाइम आ गया, ठीक है। अब उसके अंदर एक लूप लगाएंगे कि वो जो नंबर है ना वो कितनी बार एडजेसेंट टाइम्स रिपीट हो रहा है, बेसिकली उसकी कितनी अकरेंस है। तो उसमें मैंने ये वाला लूप लगा दिया, व्हाइल लूप, की जो मेरा अभी करंट पोजीशन है और जो उसकी नेक्स्ट पोजीशन है क्या वो सेम है। तो अगर वो नेक्स्ट पोजीशन सेम होती है, यानी कि वो रिपीट कर रहा है ना, और वो रिपीट कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अपने के की वैल्यू क्या है मेरी अकरेंस, उसको बढ़ा दूंगा, और मैं अपने आई की वैल्यू को भी बढ़ाऊंगा। और ये आई की वैल्यू मैं क्यों बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये चीज करनी है, अगर मैं मान लो जैसे मेरा ये जो है ना, ये वन की अकरेंस है, ये मेरी टू की अकरेंस है, अगर मैं यहाँ पे मेरा आई है, मैं उसको कैलकुलेट कर चुका हूँ, अब मेरा यहाँ पे नेक्स्ट आई प्लस वन क्या बनता है, ये आई प्लस वन जो है ये तो टू बनता है ना, तो इस केस में वो व्हाइल लूप तो बाहर आ जाएगा। लेकिन अब क्योंकि मेरे को ना नेक्स्ट पोजिशन कहाँ से स्टार्ट करनी है, मेरे को इस टू से स्टार्ट करनी है ना आई की वैल्यू, तो मैं इसीलिए ना हर एक जो मेरा व्हाइल है उसमें अपने आई की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा, जिससे कि मैं जब व्हाइल लूप से बाहर हूं तो वो मेरा नेक्स्ट पोजिशन से स्टार्ट हो, ना कि इस वाली पोजीशन से जहां से मैंने प्रीवियसली स्टार्ट किया था उसके नेक्स्ट पोजीशन से स्टार्ट ना होके अपने जो अभी पोजीशन है ना आई की, उसके नेक्स्ट पोजीशन से स्टार्ट हो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने आई प्लस वन को अपने वाइल लूप में भी इंक्रीमेंट करेंगे, और ये मेरा के प्लस प्लस किसी को दे देगा, ये मेरी अकरेंस दे देगा, और ये मेरा वाइल लूप में एक कंडीशन और होगी जो कि टर्मिनेटिंग कंडीशन है, जो कि आई मेरा क्या जो लूप से बाहर ना निकल जाए उसके लिए होती है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे पास अकरेंस आई है वो उस नंबर के लिए मैं उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या कर दूंगा, उसकी कॉम्बिनेशंस निकाल दूंगा, कितने मेरे पास नंबर जो बन रहे हैं जिसमें कि वो अरेंज हो सकता है, ठीक है। और मैं ये हर एक केस के लिए क्या करते जाऊंगा, अपने सम में स्टोर करते जाऊंगा और ऐड करते जाऊंगा अपने प्रीवियस वैल्यू में। तो इससे मेरा को क्या पता चल गया, ये मेरा पास क्या दे देगा, नंबर ऑफ बेसिकली क्या दे देगा, वो इंडेक्स दे देगा, जिससे कि मेरे पास जो भी जोर होगा ना वो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें इतना सा ही करना था इस क्वेश्चन में, ये हमारा कोड था इस क्वेश्चन के लिए।